हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी विद प्रीत, जहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ हॉल वीडियोज एंड स्टाइलिंग वीडियोस। आज का वीडियो जो है सवाना हॉल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में ना मैं कुछ आपसे विंटर अप्रोप्रिएट आउटफिट्स जो हैं शेयर करने वाली हूँ। मैंने जैकेट्स, ट्राउज़र और स्वेटर्स जो हैं ऑर्डर करे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो आ चुके हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अभी आने बाकी हैं, तो वो जब आएंगे मैं तब आपसे शेयर करूंगी। तो जो प्रोडक्ट्स अभी तक आए हैं वो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इन सब के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मैंने बहुत ही सुंदर ये रेड कलर के अंदर कार्डिगन लिया है। वी नेक के अंदर ये पूरा कार्डिगन है, इस तरीके की स्लीव्स, रिब्ड फैब्रिक के अंदर ये पूरा स्वेटर है। बहुत वार्म और बहुत सॉफ्ट है। फ्रंट में इसके ऐसे बो का डिज़ाइन बना हुआ है जो कि आपको एक बटरफ्लाई जैसी लुक देता है। और इसके बटन्स जो हैं, बटन्स ऐसे हार्ट शेप में आगे डिज़ाइन दिया हुआ है, ब्लैक कलर के बटन्स हैं। फ्रंट से इसका ये लुक है, बैक से इसकी इस तरीके की लुक है। आप ट्राई ऑन में देख लो किस तरीके का लग रहा है। प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्वालिटी इसकी अच्छी है, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा है। इसके अंदर एक ब्लैक कलर भी अवेलेबल है और आई गेस ग्रीन कलर भी अवेलेबल है। आपको वो कोई भी प्रोडक्ट इनमें से अच्छा लगता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड पीस जो है वो मैंने ये ग्रीन कलर के अंदर, डार्क ग्रीन कलर के अंदर एक ट्राउज़र ऑर्डर किया है। ये जो पूरा ट्राउज़र है ना काफ़ी लॉन्ग है, लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है। साथ में आपको हील्स पहनेंगे। अगर आपकी हाइट, मेरी हाइट जो है ना 5'3" है, तो 5'3" के हिसाब से मुझे लंबा था। अगर आपकी हाइट 5'5" है, 5'6" है या 5'5" से अबव है तो आपको आराम से आ जाएगा। इस तरीके से पॉलिएस्टर फैब्रिक के अंदर ये रिप मटीरियल वाला ना, इस क्रश्ड मटीरियल वाला ट्राउज़र है ये। ऊपर जो है इसके ड्रॉ स्ट्रिंग दे रखी है, फुल इलास्टिकेटेड है। पूरी इस तरीके की इसकी लुक है। आप ट्राई ऑन में देख लो कैसा लग रहा है। फ्रंट से इसके ड्रॉ स्ट्रिंग है, पीछे से इस तरीके से दे रखा है। लुक इसकी अच्छी लग रही थी, पहनी हुई काफ़ी कंफर्टेबल है। इसको आप ट्राउजर्स को जो है ब्लेजर के साथ भी पहन सकते हैं, लॉन्ग कोट्स के साथ, और इसको आप कार्डिगन्स के साथ भी पहन सकते हैं, दोनों के साथ अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पीस जो है वो मैंने ये केबल निट डिज़ाइन के अंदर ये कार्डिगन लिया है। कार्डिगन श्रग दोनों टाइप का आप बोल सकते हैं आप इसको। आगे जो है इस तरीके से इसके बांधने के लिए ना टैसल्स दे रखे हैं। बहुत सिंपल और बेसिक है ये। फ्रंट से इस तरीके की इसकी लुक है, पीछे से इस तरीके का है। ये बहुत बेसिक जो है ना आपका स्वेटर है ये। आप इसके साथ लेयरिंग करके पहन सकते हैं, नीचे इसके हाई नेक पहन सकते हैं। अब आप इसके ब्लैक कलर का हाई नेक पहनो, ऊपर से इसको पहनो, बहुत ही अच्छी लुक देगा ये। या इसके नीचे आप कोई फुल स्लीव्स का टॉप पहन लो, उसके ऊपर से इसके पहन लो, अच्छी लुक देगा। ट्राई ऑन में देख लो किस तरीके का लग रहा है। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट फैब्रिक है, हैवी कपड़ा नहीं है, लाइट कपड़ा है, लेकिन गर्म है पहना हुआ। मुझे एक्चुअल में गर्म जो है ये फील हो रहा था पहना हुआ ना। अगला पीस जो मैंने लिया है ना वो मैंने ये ब्लू कलर के अंदर स्वेट शर्ट ली है। फैब्रिक जो है ना अंदर से इसका पॉलिएस्टर मटेरियल है, मतलब फ्लीस वाला मटेरियल नहीं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फ्लीस वाला हो, लेकिन ये फ्लीस वाला नहीं है। इस तरीके से ये आपकी ओवर साइज के अंदर टी शर्ट है, ओवर साइज के अंदर स्वेट शर्ट है आपकी। फैब्रिक अंदर से इस तरीके का दिया हुआ है, फ्लीस वाला नहीं है, पॉलिएस्टर फैब्रिक है। फ्रंट से इसकी ये वाली लुक है, पीछे से जो है इसकी ये वाली लुक है। सबके अंदर जो मैंने साइज़ लिया है ना, मैंने मीडियम और स्मॉल साइज़ ही लिया है, जो कि 34-36 बस साइज़ के अराउंड जो इसके साइज़ मिल रहे थे। स्वेट शर्ट्स जो है ना सबसे छोटा साइज़ मैंने लिया है ये, जो भी मेरे को काफ़ी ओवर साइज़ में आई है। बट ये इसकी लुक ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज गोइंग के लिए कुछ चाहिए तो आप इस तरीके का ट्राई कर सकते हैं। नेक नाइस लुक है। इसके अंदर भी ना बहुत सारे कलर डिज़ाइन अवेलेबल थे, आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट पीस पे चलते हैं। मैंने लिया है ये ब्लैक कलर का कार्डिगन, कॉलर्ड कार्डिगन लिया है।
फुली रिब्ड ब्लैक कलर के अंदर है। इसके अंदर एक ना रेड कलर भी अवेलेबल था, पर मेरे को ब्लैक सही लग रहा था, रेड मेरे पास ऑलरेडी हैं काफ़ी सारे ना। इस तरीके से वी नेक के अंदर है, कॉलर की डिटेल दे रखी है, इस तरीके से इसकी स्लीव्स हैं, फ्रंट इसका ये वाला है, बैक से इसकी इस तरीके की लुक है। आगे जो ये बो दे रखा है ना, ये डिटैचेबल है, ये पिन लगी हुई है, आप इसको एडजस्ट करके लगा सकते हैं। गोल्डन कलर के बटन्स दे रखे हैं जो कि अच्छी लुक देते हैं। ये आप फॉर्मल वियर में इसको ज़रूर कैरी कर सकते हैं, अपने ट्राउजर्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ, इनफैक्ट आप इसको आप अपने इंडियन वियर कुर्ता के ऊपर भी जो है स्टाई करके पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा। इसको आप प्लीटेड स्कर्ट्स के साथ पहन लो, पेंसिल स्कर्ट के साथ पहन लो, ट्राउज़र के साथ पहन लो, सबके साथ अच्छा लगेगा, सबके साथ अच्छी लुक देगा। ट्राई ऑन में देख लो इसकी लुक कैसी लग रही है। मैंने इसको स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है, मुझे अच्छा लग रहा था पहना हुआ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है, आई एम नॉट सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, बट ठीक है, ऑर्डर किया है तो मैं आपसे शेयर करूंगी। इस तरीके का ना ये आपका लाइक्रा मटेरियल के अंदर ट्राउज़र है, फ्रंट पे इस तरीके की इसके बटन, गोल्डन बटन की डिटेल दे रखी है। इसकी भी लेंथ काफ़ी 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 ज़्यादा लंबी है, मतलब अगर आपकी हाइट 5'5" अबव है तो आपको आराम से आ जाएगा। इस तरीके का लाइक्रा मटेरियल के अंदर ये ब्लैक कलर का ट्राउज़र है, इतना खुला है ये, पीछे इसके पॉकेट्स की डिटेल दे रखी है, फुल्ली इलास्टिकेटेड है, 28 वेस्ट मंगवाई है मैंने, स्टिल मुझे लूज़ है ये, पता नहीं कौन सा किस तरीके का इसका साइज़ है, बट मुझे स्टिल काफ़ी ना लूज लग रहा था ये। लेट मी चेक है ना कितने क्या साइज़ मैंने ऑर्डर किया है। हाँ मैंने 28 ही ऑर्डर किया है, बट देन स्टिल मुझे ये लूज़ है, तो आप एक साइज़ डाउन पे जा सकते हैं अगर आपको इतना लूज़ खुला नहीं चाहिए। ट्राई ऑन में देख लो किस तरीके का लग रहा है, मुझे ये ना ज़्यादा पसंद नहीं आया, मुझे ठीक ठीक लगा है। क्वालिटी इसकी और अच्छी हो सकती थी, फिट और लुक और अच्छा हो सकता था, बट स्टिल ठीक ठाक है, काम चला हुआ है। मतलब प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इसी प्राइस रेंज में मुझे और वेबसाइट्स के ऊपर अच्छे ट्राउजर्स मिल जाएंगे अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, तो मेरी तरफ से थम्स डाउन है, मुझे पसंद नहीं आया ये ट्राउज़र बिल्कुल भी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं, अगेन मैंने ये बहुत ही क्यूट सा एम्ब्रॉयडर्ड स्वेटर लिया है, फ्रंट से इसकी इस तरीके की लुक है, स्लीव्स पे जो है ना आपको टैसल्स की डिटेल दे रखी है, आगे से ऐसे डिज़ाइन फ्रिल वाला डिज़ाइन है, कॉलर्ड वाला स्वेटर है ये, इस तरीके से इसके कॉलर्स दे रखे हैं ब्लू एंड वाइट में, साइड पे जो ये है ये धागे की एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, अंदर भी इसके पूरे ना इस तरीके से है, पूरी एम्ब्रॉयडरी है ये, प्रिंट नहीं है, एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। ये थोड़ा सा ना हैवी है, मुझे थोड़ा हैवी लगा पकड़ने में भी, बटन्स के ऊपर भी जो है ना इस तरीके से वुलन का काम दिया गया है। फ्रंट से ये लुक है इसका, पीछे से इस तरीके का इसका लुक है, ये जो टैसल्स दे रखे हैं इसको आप टाइट लूज करके अपने हिसाब से बांध सकते हैं, सेम आगे से ये इसका है, और स्लीव्स पे भी सेम इस तरीके से टैसल्स दे रखे हैं, टाइट लूज करके आप इसको पहन सकते हैं। इसके अंदर भी कलर नॉट श्योर अवेलेबल था या नहीं, बट ब्लू कलर है, अच्छा लगता है कलर पहना हुआ ना, मुझे अच्छा लगा कलर ये, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। आप ट्रायल में देख लो किस तरीके का लग रहा है। नेक्स्ट पीस जो है, मैंने केबल निट के अंदर अगेन ब्लैक कलर का इस तरीके का श्रग वाला कार्डिगन जो है ऑर्डर किया है। फ्रंट से इसकी इस तरीके की लुक है, ओपन कार्डिगन है ये, बटन नहीं है इसमें, ओपन फ्रंट ओपन कार्डिगन है आपका, आगे से इस तरीके का है ये, पीछे से इस तरीके का लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट और लाइट फैब्रिक है, स्लीव्स में आगे इस तरीके से डिज़ाइन दे रखा है। इसको भी जो है ना आप बहुत सारी चीज़ों के साथ पहन सकते हैं, लेयर करके पहन सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी लुक्स जो है आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के स्वेटर्स को लेके। फ्रंट से मुझे ना ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छी और डिसेंट सी लुक दे रहा है। इसके नीचे आप स्ट्राइप्स वाला हाई नेक पहन सकते हो, आप कलरफुल हाई नेक पहन सकते हो, ब्लैक पहन सकते हो, बहुत ही कलर के हाई नेक्स पहन के या टॉप पहन के, प्लेन कलर प्लेन टॉप उनके ऊपर आप इसको पहन सकते हैं स्टाइल करके, काफ़ी अच्छी लुक देगा, काफ़ी अच्छा लगेगा पहना हुआ, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ये तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये ब्लैक कलर वाला कार्डिगन जो है ना ये तो ले लो, क्योंकि आप इसको बहुत बहुत तरीके से जो है वो स्टाइल करके पहन सकते हैं।
नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है ये स्वेटशर्ट, हुडी स्टाइल के अंदर ये स्वेटशर्ट है आपकी। फ्रंट से इसका ना इस तरीके का लुक है, स्लीव्स पे जो है इस तरीके से आपको 3 स्ट्राइप्स दे रखी हैं। फ्रंट से इसका ऐसा लुक है, पीछे से इस तरीके की है। ये हुडी है, अगेन मुझे ये भी फ्लीस वाली लग रही थी, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी है ये। और अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो डिसेंट क्वालिटी है, कॉलेज वियर के हिसाब से या ऑफिस वियर के हिसाब से डिसेंट क्वालिटी है। ओवर साइज़ के अंदर है, सबसे छोटा साइज़ है ये, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवर साइज़ आ रहा है। और कैंगरू फिट, कैंगरू वाली इसकी जो है इसमें आगे पॉकेट्स दे रखी हैं, यस कैंगरू वाली पॉकेट्स हैं इसके अंदर, और आगे से जो है इसके टैसल्स दे रखे टाइट करने के लिए। ओवरऑल फैब्रिक भी काफ़ी हैवी है और इसका मुझे जो है ना लुक भी मुझे ठीक ठाक लगा है, कुछ इतनी खास ना पसंद नहीं आई ये स्वेटशर्ट। मैंने और स्वेटशर्ट्स भी ऑर्डर करी है, लेट्स सी वो कैसी होती है, बट ये जो मैंने इस वीडियो में ऑर्डर के लिए मैंने जो यूज़ करी हैं, जो आपको शेयर करी हैं, वो मुझे जैकेट्स कुछ इतनी खास पसंद नहीं आई हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच बेटर, तो हो सकता है वो बाकी जो आएंगी वो और अच्छी हो सकती हैं, देखते हैं। फाइनल जैकेट जो है वो मैंने ये ब्लैक कलर के अंदर ऑर्डर की है। इसका जो है इस तरीके से स्लीव्स का मटेरियल है, आगे इलास्टिक दे रखी है स्लीव्स पे, रेड एंड वाइट एंड ब्लैक कॉलर्ड है, जो है इस तरीके के बटन्स दे रखे हैं। ये अंदर से जो है फ्लीस मटेरियल वाली है, मैं वैसा स्वेटशर्ट्स का भी ना फ्लीस फैब्रिक जो है एक्सपेक्ट करती बट नहीं आया, ठीक है। इसके अंदर जो है फ्लीस मटेरियल दे रखा है, फ्रंट से इसकी इस तरीके की लुक है, पीछे से इस तरीके का है। मुझे ये भी कुछ ऐसी खास नहीं लगी, कुछ इसकी लुक भी इतनी अच्छी नहीं लगी, वही कह रहा हूँ ना जैकेट मुझे अच्छी नहीं लगी है। बाकी देखते हैं बाकी प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं कैसे। तो यस ये थे आज के सारे प्रोडक्ट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय बाय।